वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? जमा वधिया, फिट फाट हो भाजी? असी अज आए हैं खलासपुर, तो हसनैन के घर अभी आए हैं। हसनैन वालीबाल का प्लेयर जोड़ा कि कुछ दिन पहले उज़्बेकिस्तान का टूर ला के आया, नैशनल टीम वालों खेल के आया, तो इस टाइम वो घर नहीं है। तो असी उन्हें सानू बुलाया इस्तकबाल वास्ते, असी आए हुए हैं। मैं हाँ उमर भाई ने इरफान भाई के वड्डे भरा है, क्योंकि इरफान भाई इतने नहीं है, यानी कि जिन्हों फानी कहते रहे वो नहीं है इतने। अं तुम दसने जो उन्होंने इंतजाम किया, बाकी जो आते हैं प्लेयर तो उन्होंने कोच तो वो जो आते हैं, तो फिर उन्होंने मिलाने इंट्रोड्यूस करवाने। आप इतने इंतजाम चलता पाया, भाई उन्हीं लगे हुए हैं फुल फुल गाने, तो बाद भाई उन्हीं लगे प्लेटा सजाने वास्ते इंतजाम है। जिमें कि ब्याह करते पे ना सुनैन का, उमें ही हो रहा इंतजाम, समझ लो भी अच्छे ब्याह ही चलता पाया। क्यों उमर भाई ब्याह ही चलता पा? उमर भाई साढ़े वन टू वन के प्लेयर है ना जी। है देखो जी, इधर भी लगाई कुर्सियां, बहुत प्यारा इंतजाम किया हो, बहुत ज्यादा जनाब इंतजाम, इन्नी मुहब्बत जनाब, तो इन्ने तो जिन्ने का काम किया ना, देखो कोक वाले डाले जिन्ने का काम हो रहा ना, यकीन करो इस काम के सुनैन का ब्याह हो जाता। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ब्याह बाद करा, पहले यह वाला फार्म मुका दिए। क्यों भाजी ब्याह इंतजाम कर रहे? लो जी असी जा रहे है फुल फुल लैके, माला शाला लैके, तो सुनैन के अबू साढ़े नाल है, तो असं जा रहे हैं इस्तकबाल वास्ते। तो जनाब वो आ गए है बाजार, तो असं उ जा रहे हैं, जो असी उत्थे पुजदे हां फिर तुहानू पूरी प्रोटोकॉल जिहड़े होणगे ना साडे, वो असी तुहानू दस्सांगे, ते कोशिश करांगे कि असी बेहतर तो बेहतर कर सकीए, क्योंकि कोच जिहड़ा हुंदा ना, जिहड़ा सपोर्ट दी मां हुंदी आ ना, उहदा ही सरबाल करन चले आ। ते लेसर तो आ रहे हैं जनाब चौधरी अकरम साहब, आ रहे हैं जनाब बाजार की तरफ, तो सुनैन दे अब्बू नूं बड़ी काली है, स्पीटा नाल ही तुरी जा रहा, साढ़े को ना तेज नहीं तुरना जिन्ना तेज सुनैन दा अबू तुरदा पिया। तो आ भाई उन्हीं रस्ते च लगे दे आ काम करन, मजदूरी तो दिहाड़ी लगे दे भाई उन्हीं, आ भाई उन्हीं काम कर रहे हैं जनाब। असीं पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर तक, आ भाई उन्हीं सब्जी बेचते पे ने रक्षे से दिहाड़ी लाने का, बेड़ी का भाई है। तो बाकी जनाब काम तो चलते रहते हैं इस तरह ही, जोड़ा अं कम चले ना अज वो बड़ा जरूरी है। न्याणे भाजी बलून लैके निकलते पेना, इन्होंने भी साढ़ा इस्तकबाल किया बड़े प्यार नाल। ते जनाब असी जा रहे हैं बस, आ यार सीब है साढ़ा वालीबाल का प्लेयर, साढ़ा फोन नहीं चुकता पिया, तो माड़ा जहा कोई फोन करके उन्हें दस दौ कि फोन चुक ले यार। असी बाजार लंघ आए हैं, असी भी यार तेज तुर के देखिए भला साढ़े को तुरै जाता चाचा शहीदा तो गोली जाएगी तुरी जान दे कि नफीस। अच्छा ए नफीस दे अबू की दुकान है? अच्छा जी ए नफीस ना दुकान है, ठीक हो गया जी। लो जी अं सारिया दुकाना दुकाना लंघ आए हैं, तो हूँ अभी पहुँचने वाले हैं उस्ताद अशरफ की दुकान से, जोड़ा कि बड़ा मशहूर है अशरफ पेटिया वाला, तो नाल वो काम वाला करता हों कि कहते मच्छी का मच्छी फड़ता हों, तो कोच है ना पहले साढ़े वालीबाल के बूस्टर होंगे हूँ कोच है ना, तो असं उत्थे पुजते पे हाँ उन्होंने दुकान से असं पुज गए है जनाब। उन्होंने दुकान हैगी है इतने, उन्होंने बाबा रश इकट्ठा किया जी, ए जनाब साढ़े जी वालीबाल के बूस्टर के कोच अशरफ साहब, तो ए उन्होंने नाल जी उन्होंने मुहब्बत करने वाले लोग ना सपोर्ट करने वाले ना हसनैन की सारे इकट्ठे हुए ना जनाब, उन्हें दुकान के उत्ते आए हैं। ए देख लो अशरफ ट्रंक हो जी, पी टी आसफ साहब ने शीशे वाली तो जनाब, तो हसनैन इतों तक इस मुकाम से पहुँचाने वाले इन्हों का ही बहुत हाथ है इन्हों, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत की है, क्योंकि जी माँ होंगी है ना वो अपने बच्चों एक तरीके पालती है, तो इन्होंने जिस तरीके साढ़े इस एरिए के बच्चे पालिया ना, वो सानू बहुत उसते गर्व है फखर है इन्हों, तो एंदा भी इंशाल्लाह असं इन्हों बच्चे इस तरह के देवे फिर साढ़े बच्चे प्रमोट करेंगे जी। कुछ कहना चाहते हो जी? तुम देख सकते मेरे पिछे पूरा क्लास पर इकट्ठा हो गया, नाले वेखी जाते करता की पाया, उस तो बाद कहते पे है भी ये बंदे इन्ने कट्ठे कहदे वास्ते कर लेना, तू क्राउड सारा इकट्ठा हो गया, अखलास पर पूरा इकट्ठा कर दिता जी। अच्छी अच्छा वेखो सुनैन के इस्तकबाल वास्ते, सुनैन के कोचेज के इस्तकबाल वास्ते, वाम बस
ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਬਦਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ थोड़ी देर तक वाम ने आ जाना जनाब आ रही है असि पुछ के समझ लो वाम आ गई असि बटन के पंप का दौरा कर लिया बटन का पंप है जी साढ़े आने बड़िया लग्जरिया कारा है देखो ट्रैक्टर ढोल भी है जी जनाब ढोल सुन सुनैन का इस्तकबाल देखो सुनैन के ताए चाचे मामे फुफड़ जो भी है सारे इतने कट्ठे हुए हैं जनाब इतने बट्टा पेट्रोल पंप से कट्ठे हुए आवाम आ रही है मैटर ओनू दे दीदा है सौन भी लिया आता जी आखो जी आ सुनैन का कजन है जी इन्हें पानी वालों पूछा ही नहीं अज ऊँ पुछ पुछ लेंगे अच्छ पानी वाले नहीं पूछा अंदर बैठी हुई है जी आनर है जी इस पंप के आनर है जी इस पंप के जनाब कोचर वगैरह सपोर्टर वगैरह वाम अं कटी कर जनाब भी आ गया जो सौन वाला बंदा जी हेलो हेलो करता पाया वाम कटी कर दी है देखो कि बड़ी वाम हो गया कटी असं जनाब इस वाम का बड़ा शुक्रिया अदा करने जनाब चेक करो बस करो जी पंप तो इन्नी वाम तेल पाने वाली नहीं हैगी जिनी वाम इतने अहूँ फिरन फुरन वाली है देखो सही देखो इन्नी वाम पंप तो तेल वाली नहीं हैगी जिनी वाम इतने इंजी आ गई है सेठी पवान का कोई तेल तो नहीं तेल कोई नहीं पवान लिया इंजी का तेल आ खड़े हो गए साढ़े की हाल जी ठीक ठाक हो वधिया बड़े अच्छे वालीबाल के प्लेयर ने इन्होंने भी वालीबाल की बड़ी गेम खेली है साड़ी यूनिक कौंसल है साड़े खलासपुर का मुड़ा जनाब जो इंटरनेशनल लेवल से खेड़ गया सुनैन ए बारे की तुहाडी की राय है तुहाडा की ख्याल है बारे साडा ख्याल ये जनाब मेनू मैं जिस तक हो सकता जनाब मेनू पता है साढ़े 4 बजे उठ के मेरा पिंड इतों 7 किलोमीटर दूर हैगा उसे जाता जी रेत में रनिंग करता जी यकीन करो दरिया क्रॉस करके लग लग पानी लंघ इस बच्चे की मेहनत वेख के तुम जो नौजवान बच्चों जनाब की लैसन दोगे की सबक दोगे की अद हासिल करो मैं कहना कि यार एजे देखो एजे जानो जज करो ताकि थोड़िया आने वाली नसल जे बच्चे यंगस्टर ने वो मेहनत कर छोटा ना समझ ए मुल्क साडा जेड़ा ना बेशक छोटा है चीज होनी चाहिए हिम्मत होनी चाहिए फिर बंदा खेल सकता है
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਰੀਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ। नफसियाती हालत बेहतर होना सब तो बेहतर अहम है। वो अपने आप मेहनत करे, लैके जाए बाहर, उठे ना सुबह सुबह उठो, शायद तब्दील करे नुकसान हो ताकि तरक्की कर। अच्छा Thank you.